राज्य महिला आयोग में आचार संहिता खत्म होने के बाद महिला उत्पीड़न संबंधित मामलों की सुनवाई शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक एवं सदस्य बघेल ने शुक्रवार को कार्यालय में कुल 32 मामलों की सुनवाई की। आयोग अध्यक्ष नायक ने बताया कि दो दिनों तक चलने वाले इस सुनवाई आधे से ज्यादा पति पत्नी के बीच विवाद का मामला सामने आया था, जिसमें महिला अपने पति के खिलाफ मारपीट की शिकायत कर अलग रहने की मंशा जताई। बता दें, सुनवाई के दौरान आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक ने मामले में पति पत्नी दोनों पक्ष को सुना गया। इसमें दोनों पक्षों के बीच सुलहनामा के बाद पति ने प्रति माह 7,000 रुपये पत्नी को देने की बात कही। वहीं महिला के पति ने आयोग के समक्ष कहा कि वो वर्तमान में शासकीय सेवा में है और अपनी बच्ची का पालन पोषण बेहतर ढंग से कर रहा है और उसे अपने पास रखना चाहता है। इस पर पत्नी ने कहा कि वह अपने बच्ची को देखना चाहेगी तो कहाँ मुलाकात होगी, क्योंकि वह पति के घर जाना नहीं चाहती है। इस पर आयोग ने निर्णय दिया कि बच्ची को उसकी माँ से महिला आयोग कार्यालय में प्रति माह 2 बार मिलवाया जाएगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से बच्ची वर्तमान में पिता के पास रहेगी। इन सभी शर्तों पर दोनों आपस में सहमत हैं। लगातार चुनाव आचार संहिता और सारी वजह से यहाँ पर नियमित जनसुनवाई नहीं हो पाई थी। अब चुनाव निपट गए हैं और महिलाओं के सारे मामले पेंडिंग थे, तो अब कल से जनसुनवाई चालू है और हर तरह की समस्याओं से महिलाओं को दो चार होना पड़ता है। रायपुर ज़िले में पूरे प्रदेश का आधे मामले रायपुर ज़िले में होते हैं और ये लगातार आज के दिन की हमारी 108 नंबर की जनसुनवाई है। तो हमारे पास तो महिलाएं आ रही अपनी समस्याओं को लेकर और हम लोग लगातार उनकी समस्याओं का समाधान करने की दिशा में प्रयासरत हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28.